विदिशा जिले के सरौंज अंतर्गत कदरपुर के ग्रामीण ट्रैक्टर लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां 2019 बीमा राशि नहीं मिलने की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान ग्राम अहमदाबाद खिल्ली, मुबारकपुर, हसनपुर के किसान भी मौजूद रहे। किसानों ने आरोप लगाया कि बीमा राशि वितरण में किसानों के साथ बीमा कंपनी लापरवाही कर रही है, जिसके कारण अधिकांश किसानों को पूरा प्रीमियम भरने के बाद भी बीमा राशि कम मिली है। वहीं कुछ गांव तो ऐसे भी हैं जहां किसानों को बीमा राशि मिली तक नहीं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र रघुवंशी के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया, जबकि समस्या का निराकरण नहीं होने पर 3 दिन के अंदर 2019 के फसल बीमा की राशि नहीं मिलने पर जल सत्याग्रह करने की चेतावनी दी गई। कादरपुर के समस्त पटवारी हलके को फसल बीमा से वंचित कर दिया गया है। 2019 का फसल बीमा इन किसानों को नहीं मिला है। पूर्व में भी इन किसानों ने कई बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है यहाँ पर आके SDM महोदय को, तहसीलदार महोदय को, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज इन सब किसानों ने अपने गांव से ट्रैक्टर रैली निकाली है और ट्रैक्टर रैली निकाल कर इन्होंने आज यहाँ पर तहसील में ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन के माध्यम से हमने प्रशासन से मांग की है कि 3 दिवस के अंदर इनको फसल बीमा की राशि दिलाई जाए, अन्यथा 3 दिवस के बाद ये सभी ग्रामीण जन अपने परिवारों के साथ जल सत्याग्रह करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरौंज प्रशासन की रहेगी।